नमस्कार साथियों, वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2023-27 द्वितीय सेमेस्टर का जो है आप सभी का एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, ठीक है, वही हम आपको ऑफिशियली जो अभी अभी जारी हुए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। साथ में वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट वन का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं 2024 में, ठीक है, पहले जो वो एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक ना, तो वैसे छात्र छात्राओं का भी जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है। कैसे देना है सब चीज़ हम आपको बताएंगे, कॉपी कैसे बनाना है, ठीक है, एग्ज़ाम कब देना है, मौखिक एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल का कॉपी किसको किसको देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको संपूर्ण सही जानकारी आपको मिल सकेंगे। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि CBCS स्नातक द्वितीय सेमेस्टर 2023-27 परीक्षा 2024 एवं स्नातक प्रथम खंड, यानी आप लोग जो नए मतलब कि पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती परीक्षा 2024 के मेजर माइनर MDC प्रतिष्ठा सामान्य विषयों की जो है प्रायोगिक मौखिक परीक्षा जो है अपने अपने महाविद्यालय यानी गृह केंद्र में जो है आपको होगा, ठीक है। कैसे होगा उसका जो है कार्यक्रम बताया गया है, यानी कि आपके जो है आप ही के कॉलेज में जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन सबको नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ हम आपको बाद में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो मेजर का विषयों का एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा, कब होगा, तो ये होगा आपका 11/11/2024 से 13/11/2024 तक, ठीक है। तो ये जो है आपका रूटीन आपके कॉलेज ही देंगे, ठीक है, तो आपको पता करना है कि आपका एग्ज़ाम 11 को है कि 12 को है कि 13 का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ में माइनर सब्जेक्ट का जो होगा वो 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होंगे। साथ में MDC की बात करें तो उनका एग्ज़ाम जो है 17 से लेकर 19 तारीख तक जो है आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं पार्ट वन वाला का, प्रतिष्ठा एवं अनुसांगिक समान विषयों की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होंगे। तो अब आप लोग कमेंट्स मत कीजिएगा अक्सर पार्ट वन का एग्ज़ाम कब है। यहाँ पर आपका जो है प्रतिष्ठा मतलब होता है कि आपके जो मतलब मेन सब्जेक्ट है यानी ऑनर्स, ठीक है, तो उन सभी का एग्ज़ाम जो है वो 11/11/2024 से 16/11/2024 तक में लिए जाएंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी महाविद्यालय में, ठीक है, किसी महाविद्यालय में किसी सब्जेक्ट से 20 से कम स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम जो है वो जिलावार जो है मतलब ये कार्यक्रम के अनुसार होंगे, ठीक है, मतलब नहीं समझे, मतलब आपके कॉलेज में आपके सब्जेक्ट से अगर 20 से कम स्टूडेंट्स की संख्या है उसी सब्जेक्ट्स में तो आपका एग्ज़ाम जो है, और ये बात आपको कॉलेज से ही पता होंगे चलेंगे, ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम जैसे समस्तीपुर का जो है महाविद्यालय का नाम और उनका जो है मतलब कि आपका एग्ज़ाम जहाँ पर होगा वहाँ का नाम, ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बेगूसराय का देख लीजिए, इसके बाद मधुबनी का RK कॉलेज, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है नहीं समझे मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स है इस सभी सब्जेक्ट्स का जो है एग्ज़ाम जो है आपके जैसे कि समस्तीपुर का होगा वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर में, और जो है RNAR कॉलेज समस्तीपुर में, बेगूसराय का जो कॉलेज यहाँ पर बताए गए हैं, मधुबनी का RK कॉलेज में, दरभंगा का MLSM कॉलेज में, यानी अगर किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज में 20 से कम मतलब कि स्टूडेंट्स की संख्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तो होंगे, समझ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है, तो यही चीज़ था। और कई सारे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि कॉपी कैसे बनाए सर, कॉपी कब जमा करें, तो इसके लिए आपको कॉलेज दे देंगे कॉपी कैसे बनाना है और कैसे लिखना है, ये सब के लिए जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही समझिए, आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।